दोस्तों सब्सक्राइब करिए न्यूज सेल हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करके पाएं सभी काम की खबरें सबसे पहले। दोस्तों पंजाब और कोलकाता के बीच खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरी तरह से पंजाब पर हावी रही और उन्होंने इस मैच में 218 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन मैच में एक ऐसा मौका भी आया जब मैच पूरी तरह से पंजाब की पकड़ में आ सकता था। तो दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि बॉल कर रहे थे पंजाब के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और आंद्रे रसेल नए नए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे। वैसे भी सभी को पता है रसेल अगर विकेट पर टिक गए तो सामने वाली टीम का क्या हाल बन सकता है। हालांकि मोहम्मद शमी ने रसेल को शानदार यॉर्कर डाली और वो बोल्ड हो गए, परंतु अंपायर ने बॉल को नो बॉल करार दे दिया और ये सब अश्विन की एक बड़ी गलती की वजह से हुआ। जी हां, क्योंकि पंजाब की कप्तानी कर रहे अश्विन ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पावर प्ले के दौरान तीन खिलाड़ी ही 30 यार्ड सर्कल के अंदर रह सकते हैं और उनकी टीम ने इस नियम का उल्लंघन किया और इसी बड़ी भूल के चलते रसेल को अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। इस गलती के बाद रसेल न सिर्फ मैदान पर टिके बल्कि 17 गेंदों में 47 रन की धुआंधार पारी भी खेली और मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। तो दोस्तों अश्विन की इस बड़ी गलती के बारे में आपकी क्या राय है और पंजाब की हार में इस भूल का कितना योगदान है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए न्यूज़ सेल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।